हाय गाइस, मेरा नाम है शौर्य एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सी वो 6 स्किल्स है जो आपको कॉलेज लाइफ में डेवलप करनी चाहिए, जो आपको हेल्प कर सकती है आपके करियर में और आपकी पर्सनालिटी में। मेरा ये सोचना है कि कॉलेज लाइफ के टाइम आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम रहता है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो कुछ स्किल सेट सीखने के लिए, क्योंकि कॉलेज में आप अपनी एक डिग्री परस्यू कर रहे हो जो 3 साल 4 साल या 5 साल की हो सकती है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप अगर ठीक से आप अपने आपको सेल्फ एनालिसिस करो अपना, तो आपको पता चलेगा कि कितना सारा टाइम आपके पास एक तरह से लीजर के लिए, आपने फन एक्टिविटीज के लिए छोड़ा हुआ है जिसको आप यूज कर सकते हो कुछ फन सीखने के अंदर, बिकॉज सर्टेन स्किल सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करियर एज वेल एज इन योर पर्सनालिटी। ये स्किल्स क्या है और इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, सब कुछ हम जानेंगे आज की वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने ज़रूर सुना ही होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बात को किसी को बताने के लिए। जैसे मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपके फ़ोन के अंदर से आपके या टीवी या किसी भी स्क्रीन के अंदर से आप मुझे देख सकते हैं, जिससे मैं अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी तरह रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफेशन आपको अपनी बातें कम्युनिकेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप चाहे एक इंजीनियर हो चाहे आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, और अगर आपका प्रोफेशन सही में नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन डिमांड करता है तो फिर तो आपको बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आजकल के टाइम में लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं, अपनी बातें बहुत आराम से कन्वे कर देते हैं, और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप नहीं करोगे तो आप इस रेस में पीछे रह जाओगे। इसलिए आपको जो नंबर वन स्किल है जो डेवलप करनी चाहिए वो है नेटवर्किंग, बिकॉज नेटवर्किंग इज अबाउट डीलिंग विद पीपल। वंस यू नो हाउ टू डील विद पीपल, यू कैन मेक देम वर्क, यू कैन वर्क विद देम, यू कैन कोलैबोरेट विद देम। और नेटवर्किंग करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, तो आपका फोकस होना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क करना। हाउ कैन यू डेवलप इट? इट्स वेरी वेरी सिंपल। लाइक पीपल ओवर कॉम्प्लिकेटेड यूडेमी पे कोर्सेज निकाल देते हैं, ये लोग इंस्टाग्राम पे कोर्सेज निकाल देते हैं कि नेटवर्किंग कैसे करें। आई थिंक कि कुछ लोगों को शायद ज़रूरत हो। आई फील लाइक कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैन स्टार्ट नेटवर्किंग बाय जस्ट टॉकिंग टू पीपल अराउंड देम। इट कुड बी एट द वर्क प्लेस, आपके कॉलेज के लोग हो सकते हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुड बी रैंडम स्ट्रेंजर्स एज वेल एट टाइम्स, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू पीपल। वंस यू टॉक टू पीपल आपकी पर्सनैलिटी इंक्रीज होती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, और बात कर करके ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होगी। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो नहीं है, मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप प्रैक्टिसिंग द थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। एंड अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कभी भी डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एंड साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए यूट्यूब पे भी बहुत सारे फ्री कोर्सेज है, रिसोर्सेज है, जिनको आप रेफर कर सकते हो। सो बिल्ड द स्किल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं हम स्किल नंबर 2 पे, विच इज़ अ गेम चेंजर फॉर यू। इट इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आपने ये ज़रूर सुना होगा, घर वाले भी बोलते होंगे कि आपको सारा काम आपका टाइम से होना चाहिए, सारी चीज़ें पहले से मैनेज होनी चाहिए, ये काम भी करो, घर का भी काम करो, कॉलेज का भी काम करो। अरे करे क्यों सारा काम, क्यों करना है काम? मुझे लगता है कि आपको काम सारा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप बिना किसी काम के रह नहीं सकते हो। अगर आप सोच लोगे ना कि जैसे कि मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे तो वीडियोस बनानी है बस, मेरे पास कोई और काम नहीं है, इससे ही पैसे कमाऊंगा, इससे सब कुछ करूंगा, भाई या एक काम से लाइफ नहीं जी जाती है। लाइफ जीने के लिए आपको मल्टीपल काम करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका वर्क हो सकता है, वो आपकी एजुकेशन हो सकती है, वो आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें जो आपके लाइफ का पार्ट है ना, वो आपके टाइम मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर आ जाती है। आपके पास भी 24 घंटे हैं और बिल गेट्स के पास भी 24 घंटे हैं, वो उसको कैसे मैनेज कर रहा है और आप कैसे मैनेज करो, दैट इज़ द ओनली थिंग विच मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आपको अपने 24 घंटे के साथ क्या करना है और क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है। टाइम मैनेज करने की जो की है, जो मैंने ओवर द ईयर्स लर्न करी है, इट इज़ दैट की सेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। अपनी प्रायोरिटीज़ पहले से मान के चलो कि ये 5 काम है मुझे आज करना ही करना है। एक टू डू लिस्ट बनाओ अपने दिन की कि ये 10 काम है, ये 5 काम है मुझे हर रोज़ करने हैं, या आज के दिन मेरे को यहाँ करना है, मुझे इसको कॉल करना है, मेरे को सब्ज़ी मंडी जाना है, सब्ज़ी लेकर आना है, जो भी है सॉर्टेड आउट, मैनेज योर टाइम वाइजली। द थर्ड स्किल ऑन द लिस्ट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपको एक सिचुएशन के हिसाब से सोचना नहीं आता, अगर आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एनालाइज करना नहीं आता, तो इट माइट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू डेवलप द स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बिकॉज ये आपको एक हाई पेइंग जॉब दिलवा सकता है। एक बार आपने ये स्किल डेवलप कर लिया, पूरे लाइफ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट इज टू टेक अ लॉट ऑफ क्विजेस, ऐसे ऑनलाइन क्विजेस आते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी को लेकर और बाकी सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर भी क्विजेस आते हैं,
हो सकता है आपको कॉलेज के अंदर स्पेसिफिकली नहीं बताया जाए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, नेगोशिएट कैसे करना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है। टीचर्स ना बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि ये मेंशन करती है कि बेटा टाइम मैनेज करो, बेटा आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, आपको ये स्किल डेवलप करनी है, लेकिन एग्जैक्टली कोई एक पाथ नहीं है कॉलेज के अंदर कि क्या कैसे डेवलप करूँ मैं ये चीज़। कॉलेज में वेग टर्म यूज़ होते हैं और काफ़ी जगह वेग टर्म यूज़ होते हैं कि हाँ टाइम मैनेज कैसे होगा, कुछ नहीं आप एक काम करो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो टाइम मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दैट्स वाई यू आर हेयर ऑन यूट्यूब। मैं आपको चाहता हूँ फ्री में मैं आपको एकदम बताऊँ डिटेल में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है इन सारी स्किल्स के साथ, मैं कैसे डेवलप कर रहा हूँ ये स्किल्स, कि आप भी एक राइट पाथ पर आ सको। आप एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड लेकर ना घूमो, अपना ये जो ये बहुत प्रेशियस टाइम है ना, कॉलेज लाइफ का टाइम है, इसको वाइजली एकदम यूज़ करो टूवर्ड्स बिल्डिंग समथिंग, टूवर्ड्स अचीविंग समथिंग, और आप अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को एकदम बेस्ट लेवल पर लेके चले जाओ कि अगर आपको कभी भी बिजनेस करना हो, कोई भी जॉब करनी हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके पास ऑलरेडी जो स्किल सेट्स हैं वो डेवलप्ड हो और आप दुनिया में जाकर फोड़ सको। तो ये चीज़ मेरे को आपके अंदर ज़रूर डलवानी है। ये मैं खुद भी डेवलप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आई एम अ मास्टर ऑफ नेगोशिएशन और आई एम अ मास्टर ऑफ माई टाइम मैनेजमेंट। समटाइम्स आई ऑल्सो डू सम मिस्टेक्स बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इनसे कुछ सीखने को मिले। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो और हम चलते हैं सीधा फोर्थ पॉइंट पे, विच इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक ऐसी स्किल है जिसका इस्तेमाल आप हर जगह देखोगे, इवन आपके घर में जब मम्मी खाना बनाती है डिनर में, मान लो आलू गोभी बना है, आपको आलू गोभी नहीं खाना, यू विल ट्राई टू नेगोशिएट इट विद हर। यू विल ट्राई कि आप बोलोगे कि मम्मा कुछ और बना दो ना, या अगर मान लो आपसे घर में भी पूछा जाता है कि बेटा खाने में आज आलू गोभी बना दे, तुम बोलोगे नहीं आलू गोभी नहीं, आलू गोभी के साथ पनीर डाल दो, आलू पनीर बना दो, पनीर मटर बना दो। अगर हम लोग अच्छी नेगोशिएशन कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में हमारी वो नेगोशिएशन स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको नहीं आती तो आई फील है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये इंप्लीमेंट करना चाहिए अपनी डेली लाइफ के अंदर, जिससे आप ये सीख पाओगे, और ये करने के बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। एक लीडर की स्किल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप लाइफ में कुछ वर्थवाइल करना चाह रहे हो। एक तरह से आप लोगों को गाइड करना चाह रहे हो, लोगों की हेल्प भी करना चाह रहे हो। ऐसा मत सोचना कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ तभी मेरे को लीडरशिप स्किल्स चाहिए। इवन आप जॉब कर रहे हो, आपको अपने सबॉर्डिनेट्स को तो पता होना चाहिए ना कैसे गाइड करना है, उनको कैसे ऑर्डर्स देने हैं, उनको काम कैसे डेलीगेट करना है। ये सारी एक लीडर्स की क्वालिटी होती है जो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। द लास्ट एंड द फाइनल स्किल दैट यू नीड टू लर्न इन योर कॉलेज लाइफ, इट इज क्रिएटिविटी। मुझे ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी ह्यूमंस की इंस्पिरेशन है। लाइक आई फील लाइक आई विल बी नो मोर अ ह्यूमन इफ आई एम नॉट बीइंग क्रिएटिव। एंड क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है आप कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ आपने बना दी जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो हमने सोचा ही नहीं। एक कोट है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, इफ़ समथिंग इज कमिंग फ्रॉम इमेजिनेशन इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल दैट कांट बी इमेजिन बाई यू। कभी भी अपने ड्रीम्स को, एस्पिरेशंस को बंद मत होने दो। और अगर आपको ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन बनना है तो यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट लाइक मी। जैसे कि डिज़ाइन के अंदर बहुत क्रिएटिविटी चाहिए होती है, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन है पर्टिकुलर जिनके अंदर क्रिएटिविटी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही रिपीटेटिव है, इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, इट डजेंट मीन यू कांट बी क्रिएटिव, यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो। लोगों के बहुत सारी डिबेट्स है, लोग बोलते हैं कि क्रिएटिविटी इज़ नथिंग जस्ट कॉपिंग समवन एल्सेस वर्क एंड मेकिंग सम चेंजेस, एंड आई ऑल्सो बिलीव्ड इन दैट बहुत टाइम के लिए। लेकिन आई फील है कि क्रिएटिविटी एक इंसान के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि AI आ जाए, कुछ भी आ जाए दुनिया के अंदर, एक इंसान की खुद की क्रिएटिविटी वो कभी नहीं जाएगी। अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए और भी बहुत सारे टिप्स हैं मेरे पास जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या मस्ट टिप्स दूंगा इन सारी स्किल्स के बारे में, और आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे इन सारी स्किल्स को मास्टर कर सकते हो। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर क्वालिटी कॉन्टेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।